बिल्कुल बताऊंगा, अभी आगे आ रहा है, आ रहा है आगे, तो दिखाता हूँ, आएगा। देखो अब एक काम करते हैं, एक रॉड है, ये रॉड यहां से फिक्स्ड है, पी पॉइंट से, पी पॉइंट से फिक्स्ड है, और आप इस रॉड को क्या कर रहे हो, सर्कल में घुमा रहे हो। कम से कम ये तो मानते हो कि फ्लक्स कट करता हुआ जाएगा, मैग्नेटिक लाइंस को कट करेगा वो, तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगी। तो क्वेश्चन है पी और क्यू के बीच में ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी, इसके ऊपर लिखो मेथड नंबर वन, ईएमएफ इंड्यूस इन अ रोटेटिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसके ऊपर साइड पे लिखो एनसीईआरटी ऑल्सो। मेरी बुकलेट में नहीं है ये, तो प्लीज इस पे फॉर एनसीईआरटी लिखो, इसका प्रूफ करके जाना है एनसीईआरटी के लिए। हाँ ये लिखो, उसमें डालना भूल गया, इसमें डाल दिया, तो इसमें लिख लो। ठीक, तो जब रॉड घूमेगी तो ईएमएफ देखो क्या जनरेट होगी। मैं इस रॉड को घुमा रहा हूं सर्कल में, पी फिक्स्ड है, ये ऐसे घूम रही है। ठीक, मैंने किसी से कहा देख ये वी वेलोसिटी है, इधर ये रॉड टेंजेंशियल वेलोसिटी एक्वायर करेगी बिकॉज इट इज इन अ सर्कुलर मोशन। तो मैंने पूछा मोशनल ईएमएफ कितनी है, तो उसने कहा बीएलवी, मैंने कहा बी, कहता बी तो गिवन होगा, बिल्कुल सही, कहता एल, हाँ एल भी गिवन है, मैंने कहा वी, कह रहे वी आप निकाल लेना, या अगर नहीं है तो फिर वी की वैल्यू इसमें गिवन होगी। क्या सही बोल रहा है कि नहीं लग सकता फॉर्मूला बीएलवी पूरी रॉड के लिए? कितने लोग बोलते हैं सीधा बीएलवी आंसर है, काम खत्म करो, कितने लोग बोलते हैं नहीं इस केस में लग नहीं सकता, क्यों? वी की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर ये रॉड का हर एलिमेंट वी से मूव करता ना विद सेम वेलोसिटी, तो ना बी चेंज हो रहा है, ना एल चेंज हो रहा है, ना वी चेंज हो रहा है, पूरी रॉड का हर एलिमेंट वी से मूव करता है, तो आंसर बीएलवी। इसमें प्रॉब्लम है व्हेन इट इज मूविंग इन अ सर्कल, तो इस एलिमेंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वी इज इक्वल टू एल ओमेगा, इसकी क्या होगी वी इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, ऐसे करते करते इस पॉइंट की जीरो। तो जब हर एलिमेंट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी रेडियस पे डिपेंडेंट है, v is equal to r omega, तो उस केस में आप BLV डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ठीक, क्योंकि v इसमें चेंज हो रहा है। तो फिर एक काम करते हैं, रॉड का एलिमेंट लेते हैं स्मॉल dx, कितनी दूरी पे x, तो इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल क्या होगी, v is equal to x omega, v is equal to x omega, तो इसकी वेलोसिटी हमें पता है x omega, तो हम इस स्मॉल लेंथ की स्मॉल ईएमएफ निकाल लेते हैं डीई। कैसे, इसकी वेलोसिटी पता है एक्स ओमेगा, तो स्मॉल ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बी इनटू लेंथ की जगह डीएक्स इनटू वी, वी की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स ओमेगा, और छोटी छोटी हर एलिमेंट की डीई ईएमएफ को मिला लेंगे तो एंड टू एंड क्या आ जाएगी, टोटल ईएमएफ। लॉजिक समझ में आ गया, वी की जगह पुट कर देते हैं इसमें एक्स ओमेगा, तो चेक करो v की जगह पुट कर लिया इसमें x ओमेगा, तो b लेंथ की जगह dx और v की जगह x ओमेगा, स्मॉल emf आ गई। टोटल emf के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, लेंथ कितनी है रॉड की l, सेंटर पे आएंगे तो x की वैल्यू 0 और एंड पे जाएंगे x की वैल्यू l, तो 0 से l तक इंटीग्रेट करें, तो इंटीग्रेट किया तो b बाहर आ गया, ओमेगा बाहर आ गया, x की इंटीग्रेशन x square by 2 0 से l, x की जगह l एक बार 0, आंसर आ गया। फॉर्मूला टू बी रिमेंबर, लिख लो, बहुत ऑब्जेक्टिव और बहुत न्यूमेरिकल में डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज होगा कि जब ये रॉड घूमेगी तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बी इंटू ओमेगा इंटू एल का स्क्वायर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव शीट्स, ऑब्जेक्टिव के अंदर तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाएंगे, हम इंटीग्रेशन यूज नहीं करने वाले इसकी बार बार। क्लियर है यहां तक? ठीक, अब क्वेश्चन कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ठीक है इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हुई, जिसका फॉर्मूला क्या डेवलप हुआ, हाफ बी ओमेगा इनटू एल का स्क्वायर, याद हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा, बताओ इसमें इंड्यूस करंट कहां से कहां जाएगा? अब इंड्यूस करंट के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड, इंड्यूस करंट फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, तो बी कैसे है इसके अंदर, थंब कहां जाएगा, ऊपर, क्योंकि मोशन ऑफ कंडक्टर कहां है, ऊपर, बी ऊपर, करंट कहां आएगा,
इस तरफ, कहां से कहा, क्यू से पी, बी मोशन ऑफ कंडक्टर, करंट इधर आ गया, तो करंट कहां से कहा, क्यू से पी, तो इंड्यूस करंट समझ में आ गया फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। अगर इंड्यूस करंट क्यू से पी है तो बोलो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, तो पूछ लेगा कि बताओ कौन सा टर्मिनल नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव, माइनस प्लस लिख लोगे। फिर ये पूछ लेगा फाइंड विच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, पी की क्यू, पी पॉजिटिव वाला इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल, नेगेटिव वाला इज एट लोअर पोटेंशियल। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, ठीक। इसके ऊपर लिख लिया मेथड नंबर वन। अब सेम क्वेश्चन फिर करेंगे, लिखो मेथड नंबर टू, मेथड नंबर टू बाय यूजिंग फैराडेज लॉ, मेथड टू एनसीईआरटी में कर सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी में मेथड टू ही डिस्कस्ड है, वो बेचारा बताना तो फैराडे लॉ ही चाहता है ना, पर हम कर रहे हैं कि दोनों तरीकों से, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी थ्योरी को आना चाहिए। देखो सपोज ये एक रॉड है, ये रॉड रोटेट कर रही है, मान लो रॉड यहां से यहां आ गई, कवरिंग एन एंगल ऑफ डी थीटा, रेडियस आर है, ये पी है, ये क्यू है, ये ना डीएल कर लो प्लीज, डीएल, ये आर्क, इसमें डीएल करो, डीएल, डीएल आर्क, डीएल, ठीक, डीएल, और एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस, तो इफ रिक्वायर्ड तो डीएल को पुट कर लूंगा आर इंटू डी थीटा, ठीक। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो अब ओमेगा, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हो रहा, ओमेगा होता क्या है, डी थीटा बाय डी टी होता है, डी थीटा क्या होगा, ओमेगा इंटू डी टी होता है। वो कह रहे हैं देखो ये फ्लक्स को कट करता हुआ जा रहा है लाइंस को, तो एरिया कवर्ड बोलो इसमें कितना है, क्योंकि वो फ्लक्स निकालेगा ना, बी इंटू एरिया, एरिया इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो अप्रोक्सीमेटली एरिया आएगा हाफ इंटू आर इंटू डीएल, आर इंटू डीएल, और डीएल किसके इक्वल है, आर इंटू डी थीटा, डीएस आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे आर इंटू आर, क्या आ गया, आर का स्क्वायर आ गया। अब एक काम करेंगे, डीएस की वैल्यू आ गई, डी थीटा की वैल्यू जो अभी ऊपर निकाली पुट कर दें, ओमेगा डी टी, और स्मॉल फ्लक्स क्या होता है, बी इंटू डी एस, डी एस की जगह वैल्यू पुट कर ली यहां पर, स्मॉल फ्लक्स आ गया। अब एक काम करेंगे दोनों साइड्स को डी टी डी टी से डिवाइड करेंगे, इसको भी डी टी, इसको भी डी टी, तो डी फाइव बाई डी टी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एम एफ, डी टी बाई डी टी क्या होगा, वन, आंसर सेम आएगा। जो मेथड पसंद है कर लो, वैसे इसमें मुझे मेथड नंबर वन ज्यादा पसंद है, मेथड वन ज्यादा इजी है थोड़ा, ठीक, पर कई बार बुक्स ऐसे कर देती है।